खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। सिकंदरा विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में लंबित पड़े अमराहट पंप कैनाल योजना व बेमही यमुना पुल को शीघ्र पूर्ण कराए जाने की मांग करते हुए अपनी आख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है। इसके लिए आज उन्होंने यमुना पुल के करीब कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन कर निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूरा कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इसका संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यमुना पुल के अलावा सेंगर नदी पर इंद्ररूप संदना जोरिया में भी पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, जब मेरा चुनाव हो रहा था तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बेमही का पुल बहुत जल्दी बनवाकर लोगों को समर्पित करूंगा। आज वो समय आ गया है कि अधिकारी लोग यहाँ पे आ गए हैं, उस कार्य का शुरुआत हो गई है और ये बहुत जल्दी लोगों के सुगम होगा। कानपुर देहात से जलना जाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। माननीय मंत्री जी, इसके पूर्व में भी इसका बजट आवंटित हुआ है, उस बजट में अभी तक कितना काम हुआ है और कितना शेष रह गया, बाकी उसका धन पा गया? जो भी पहले कार्य हुआ है, जो बजट आया था उसके पहले अभी जितना भी पुल बनके तैयार है वो उसमें कंप्लीट हो चुका था। उसमें बाकी पांच पिलर और बनने थे, वो पांच पिलर बनने का जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा पास किया है वो पांच पिलर बन रहे हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार। वहीं अगर मंत्री जी विभाग के अगर कार्यों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हर बार धन तो आवंटित किया जाता है लेकिन वो धन आते आते इतना रह जाता है कि हम लोग इससे पूरा काम नहीं कर पाते हैं और आधा अधूरा ही टंग जाता है। ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, अगर धन की कमी होगी इसको पूर्ण कराया जाएगा उस वक्त। लेकिन उनका ये भी कहना है कि राजनीतिक तौर पर भी इसका काफी हस्तक्षेप रहता है। मुझे तो पता नहीं, जब से मैं कोई राजनीति में दिख नहीं रही, आज लोगों के बीच में बनकर तैयार होने जा रहा है। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।